और अब खबर धमतरी से, जहां सूना घर देखकर चोरों ने एक वनोपज व्यापारी के घर से सोने चांदी के जेवर समेत नकदी को साफ कर दिया। चोरी किए गए सामान की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। दरअसल व्यापारी शफीक 11 जून को हज के लिए रवाना हुए थे, वहीं उनका जो परिवार है उन्हें छोड़ने के लिए नागपुर तक गया था, जिसकी वजह से पूरा घर खाली था। चोरों ने इस बात का फायदा उठाया और घर से करीब 40 तोला सोना और 5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। तो वहीं जब परिवार घर पहुंचा तो टूटी हुई अलमारी देखकर सबके होश उड़ गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घर वाले बड़े भाई और भाभी को हज में छोड़ने के लिए गए हुए थे, तो वहां पर जाने छोड़ के वो मंडे की कल रात में घर पहुंचे। तो घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि घर के जितने भी अलमारी हैं, जितने भी लॉकर हैं, वो सारे टूटे हुए हैं और घर से कैश था, सोना था और चांदी थे, ये सारी चीज़ें गायब है। और उसके अलावा कुछ भी चीज़ मतलब यहाँ से नहीं गया है मैम। लगभग 4 से 5 लाख रुपये कैश है हमारा इसमें, और क्या बोलते हैं, सोना है लगभग 30 से 32 तोला और चांदी है मैम लगभग 40 से 50 तोला। घटना चोरी की हुई है ये तो स्पष्ट है। लगभग हम ये आकलन कर रहे हैं तो कुछ जेवरात और कुछ कैश का बता रहे हैं, ये इसका आकलन भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी चोरी का अपराध दर्ज करके विवेचना जारी है अभी। और